सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। अभी अभी 4 मई 2023 को एक इंस्ट्रक्शन जारी किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, और ये इंस्ट्रक्शन बड़ा खतरनाक है। सर डरा क्यों रहे हो? डरा नहीं रहा भाई, जरा ध्यान से समझ लेना। ये जो इंस्ट्रक्शन इशू किया गया है, इसकी वजह से आपका आने वाला 1-2 महीने बड़ी कठिनाइयों के होंगे। सर ऐसा क्या होगा इस 2 महीने के अंदर, जरा इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। इन्होंने कौन से पीरियड की बात करी है वो भी मैं बताऊंगा कि 16 मई 2023 से लेकर 15 जुलाई 2023 आपके लिए परेशानी दे सकता है। सर ऐसी क्या परेशानी आ सकती है, जरा इस वाले ठीक है ना जो इंस्ट्रक्शन है ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर ये आपको अभी तक नहीं मिला है तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है केजे क्लासेस अपडेट का, वहां से इसे ले सकते हैं। इन्होंने क्या करा है, एक स्पेशल ड्राइव चलाई है ऑल इंडिया बेसिस पर फेक रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट। सर हमारा तो फेक रजिस्ट्रेशन है ही नहीं, तो हमें क्या टेंशन है भाई। तुम्हारा फेक रजिस्ट्रेशन नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हो सकता है कि तुम भी इसके लपेटे में फंस जाओ। सर कैसे फंस जाए, जरा इस बात को ध्यान से समझना। इन्होंने क्या करा, एक मीटिंग करी थी 24 अप्रैल 2023 को, और वहां पर इस मीटिंग में डिसाइड हुआ कि भाई ये जो फेक आईटीसी चल रहा है ये बड़ी दिक्कत वाली बात है, और फेक आईटीसी की सबसे बड़ी वजह होती है फेक रजिस्ट्रेशन वाले। तो फेक रजिस्ट्रेशन की वजह से फेक आईटीसी आता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं भाई, अब 2 महीने के लिए एक ऐसी स्पेशल ड्राइव पकड़ते हैं, ठीक है ना, एक ऐसी टीम बनाते हैं, एक ऐसा प्रोसीजर बनाते हैं कि जिससे जितने भी फेक रजिस्ट्रेशन है सबको पकड़ लिया जाए और उनके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं। तो क्या एक्शन लेंगे, इसके अंदर इन्होंने पूरा डिटेल्ड में लिखा हुआ है कि भाई साहब इन लोगों ने नाक पे दम कर दिया फेक रजिस्ट्रेशन वालों ने, ये अपने ठीक है ना अपने फायदे के लिए जो गरीब आदमी है, जो कमजोर आदमी है ठीक है ना, उस व्यक्ति का आधार कार्ड ले लेते हैं और उसके आधार कार्ड पर अपना फोन नंबर लिंक करा लेते हैं, फोन नंबर चेंज करा लेते हैं कुछ पैसे वैसे देकर, और उसकी तरीके से उसी तरीके से रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं और फेक बिलिंग का काम कर लेते हैं। अब उन्हें पकड़ने के लिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि भाई एक स्पेशल ड्राइव चलाओ ऑल इंडिया बेसिस पर, जिससे 16 मई 2023 और 15 जुलाई 2023 के बीच में चलाकर देखेंगे, और अगर हमारे को ये लोग पकड़ में आ जाते हैं इन्हें नोटिस भेजेंगे, रिकवरी करेंगे, सारे काम करेंगे, ठीक है ना। अब इन्होंने इसके लिए अपनी पूरी टीम बनाई है, एक डेटा निकाला है, उस डेटा के बेसिस पर ये लोग आपकी चेकिंग कर रहे हैं। सर ये डेटा के बेसिस पर जो चेकिंग करेंगे उससे हमारे को क्या दिक्कत आएगी, उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि क्या क्या एक्शन लेना है फील्ड फॉर्मेशन वालों को। उन्होंने बोला है कि जैसे ही तुम्हें दिख जाए कि भाई ये व्यक्ति जो है नॉन एग्जिस्टेंट है या फिक्टिशियस है, मतलब कि भाई ये है ही नहीं, व्यापारी नहीं कर रहा और ये संदेह वाला व्यक्ति है, आप तुरंत की तुरंत उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दो, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो एज पर सेक्शन 29। तो सेक्शन 29 में अब तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर तुम भी इनके दायरे में आ जाते हो। इसके अलावा इन्होंने कहा खाली रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल मत करो, इनका क्या करो, आईटीसी ब्लॉक कर दो रूल 86A के अंदर। जैसे ही तुम्हें पता लगे कि ये सामने वाला व्यक्ति कुछ फ्रॉड है ठीक है, कुछ गड़बड़ कर रहा, फटाफट से उसका आईटीसी ब्लॉक कर दो, और आईटीसी ब्लॉक करने के साथ साथ सामने वाले व्यक्ति की GSTR 1 चेक कर लो, और GSTR 1 में उसने जिसे जिसे सप्लाई करा हुआ है उन रिसीपिएंट को भी पकड़ लो। तो हो सकता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो लेकिन तुमने किसी ऐसे व्यक्ति से सप्लाई ले ली है जो कि इस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है, तो आपको भी नोटिस आ जाएगा कि भाई तुमने नॉन एग्जिस्टेंट व्यक्ति से ठीक है ना माल परचेज करा है। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला है कि ऐसा करो इनकी ना प्रॉपर्टी को अटैच कर लो एज पर सेक्शन 83। प्रोविजनल अटैचमेंट का कंसेप्ट है जहां पर आपका बैंक अकाउंट, जहां पर आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाता है। और इसके अलावा इन्होंने पूरा अनेक्सियस दिया है कि भाई जितने भी ऑफिसर्स हैं सबको कैसे कैसे अपनी रिपोर्टिंग करनी है। उस रिपोर्टिंग में क्लियर लिखा हुआ है कि भाई इनके पास कितनी इंफॉर्मेशन आई
ठीक है, डी ग्राम से और जीएसटीएन से, और कितने इन्होंने अपने बेसिस पर लोकली आइडेंटिफाइड करे, टोटल नंबर कितने लोगों को इन्हें नोटिस भेजना है, उनमें से इनकी किन्होंने फील्ड कंडक्ट करी, मतलब विजिट कंडक्ट करी इन्होंने, तो ये पूरा का पूरा डेटा कि कितने लोगों का सस्पेंड करा, कितने लोगों का कैंसिल करा, कितने लोगों का आईटीसी ब्लॉक करा, कितने लोगों की इन्होंने प्रोविजनल अटैचमेंट करी, ये सारा का सारा डेटा इन्हें देना होगा कि कितनी रिकवरी करी। तो इस डेटा के अंदर आप ना लिपट जाओ। तो इसके लिए आपको क्या करना है भाई, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जिन लोगों से आप परचेज कर रहे हो माल, उनके डेटा को एक बार वेरीफाई करना है, ठीक है। जहां जहां से आप माल परचेज कर रहे हो, एक बार साल में, छह महीने में, तीन महीने में उसके यहां पर विजिट कर लिया करो, उसकी दुकान पर जाकर, कि वो जिंदा भी है या मर गया, ठीक है ना। पता चला कि वो तो मर गया, उसके एम्प्लॉय उसके नाम पर कंपनी चला रहे, लेट सपोज करो मैं निकल जाऊं, ठीक है ना, और ये मेरे ऑफिस में बैठकर युगल वैशाली बिल देते रहे, ठीक है, कोर्स बेचते रहे, ठीक है, तो ऐसा मत होने देना। तो यहां पर इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि अगले दो महीने आपके लिए बड़े परेशानी वाले हो सकते हैं, क्योंकि ये इन्होंने इंस्ट्रक्शन कब निकाला है, अभी 4 मई को निकाला है, डेटा तैयार हो रहा है, और उसके बाद 16 मई से सुताई होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आप अपनी कमर कस लो गर्मियों की छुट्टियों में, ठीक है, तुम्हारे पास बहुत काम आने वाला है, रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का, प्रोविजनल अटैचमेंट का, आईटीसी ब्लॉक का, क्योंकि जब ये इन लोगों को पकड़ेंगे तो ये यही वाले एक्शन लेंगे। तो जरा ध्यान से आपको अपने सारे क्लाइंट्सों को देख लेना है, मैनेज कर लेना है, जिसमें भी रिस्क है उन्हें बता देना कि भाई साहब आपको ऐसा नोटिस आ सकता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप पूरी डिटेल चाहते हैं पूरे कोर्स की, तो इस संडे हमारा आईटीसी का टॉपिक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर फुल कोर्स लेना है तो आप इस नंबर पे बात करके पूरा जीएसटी का कोर्स ले सकते हैं, जो हमारा हर संडे टू संडे चल रहा है। इसके अलावा इनकम टैक्स का सीजन है, इनकम टैक्स की नॉलेज लेनी है तो हर सैटरडे क्लास होती है, और कल तो हमारा स्पेशल वेबिनार भी है ITR 4 पर, तो आप इनमें से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर देता हूँ कि भाई आप लोग तैयार रहे, ठीक है, सतर्क रहे, ठीक है, और KJ क्लासेस का यूट्यूब चैनल देखते रहे, ठीक है, सावधान रहे, ठीक है, धन्यवाद।